नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए 19 जुलाई देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर दोस्तों बीजेपी एनडीए के बीच भयंकर फूट पड़ गई है। एनडीए के लगभग दर्जन भर से ज्यादा नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। किस तरह से आगे हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दुनिया में कोरोना वायरस के बाद एक और नए वायरस ने जन्म ले लिया है। यहां पर कोरोना के बाद एक और नई मुसीबत सामने आ गई है वायरस के रूप में, किस तरह से आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मोदी सरकार फंस चुकी है। यहां पर एक ताजा रिपोर्ट ने मोदी सरकार की नींद उड़ा करके रख दी है। क्या क्या मामला इसके अंदर सामने आया है, इसकी पूरी जानकारी आगे देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एमआईएम का ट्विटर हैंडल हैक हुआ था, उसके बाद जानकारी मिल रही है कि एमआईएम के ट्विटर हैंडल को अब वापस कर दिया गया है, और इसको लेकर के तमाम और अपडेट है आगे हम आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पंजाब कांग्रेस के अंदर चल रहा सियासी हलचल अब खत्म हो गया है। नवजोत सिंह सिद्धू को एक बड़ा पद अब दे दिया गया है, क्या पद दिया गया है इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी शासित राज्यों के 3 और मुख्यमंत्री अपने पदों से इस्तीफा दे सकते हैं, इसको लेकर के ताजा अपडेट सामने आ रही है, आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार के ऊपर लगा जासूसी करने का आरोप, देश के लगभग 40 भारतीयों के नाम सामने आने के बाद मोदी सरकार में हड़कंप मच गया है, किस तरह से इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का एक और बड़ा ऐलान, क्या ऐलान क्या है इसकी भी जानकारी आगे हम आपको देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, बिहार के अंदर आने वाले कुछ ही महीनों के बाद जो है निकाय चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी एनडीए के बीच भयंकर फूट पड़ गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं, एनडीए में शामिल जेडीयू के लगभग दर्जन भर से ज्यादा नेताओं ने एलजेपी का दामन थाम लिया है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई सांसद चिराग पासवान में आस्था व्यक्त करते हुए जेडीयू के कई नेताओं ने उनकी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने इन नेताओं को रविवार को सदस्यता दिलाई। चिराग पासवान ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पर नेताओं को बधाई भी दी है। बताया जा रहा है कि इसके बाद बीजेपी के भी कई नेता एलजेपी के साथ जा सकते हैं, एलजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के 12 से ज्यादा नेताओं ने जेडीयू से इस्तीफा देकर के एलजेपी का दामन थाम लिया है। यह बीजेपी एनडीए के लिए बड़ा झटका बिहार में लगा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, दुनिया में और देश में कोरोना वायरस के बाद एक और नई मुसीबत सामने आ गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों, कोरोना के बाद एक और नया वायरस आ चुका है। देख सकते हैं दोस्तों, चीन के बीजिंग में मंकी बी वायरस यानी बी से संक्रमित एक पशु चिकित्सक की कैजुअल्टी हो गई है। इस वायरस के संक्रमण से पहले मानव की कैजुअल्टी की खबर चीन के ग्लोबल टाइम्स ने दी थी, और अब बताया जाता है कि मंकी बी वायरस बंदर से मानव में फैल रहा है, और यह तेजी से चीन के अंदर फैल रहा है, और इसकी जो फैलने वाली क्षमता है वो कोरोना से भी ज्यादा है, और आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में इस वायरस का भी खतरा अब मंडराने लगा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, राष्ट्रवाद की बात करने वाली मोदी सरकार अब जो है एक ताजा रिपोर्ट से फंस गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर अपने सबसे करीबी नेता अमित शाह को गृह मंत्रालय का कार्यभार सौंपा, लेकिन अमित शाह गृह मंत्री के तौर पर बड़े फैसले लेते हैं जिससे आम जनता को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। फिलहाल अर्धसैनिक बलों की जिम्मेदारी अमित शाह के अधीन ही आती है, लेकिन उसी गृह मंत्रालय से एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है जिसमें अर्धसैनिक सुरक्षा बलों में एक साथ भारी मात्रा में कर्मचारियों का समय से पहले सेना निवृत्ति ले ली है। यह ताजा रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी यह मिल रही है कि गृह मंत्रालय ने आंकड़े जारी करते हुए बताया है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF और सीमा सुरक्षा बल BSF और जैसी अर्धसैनिक बलों में पिछले एक दशक में 81,000 जवानों ने स्वैच्छिक सेना निवृत्ति ले ली है। इसमें से
11,000 जवानों ने साल 2017 में ही सेना निवृत्ति ली है। जानकारी के मुताबिक अगर पूरे आंकड़े ऊपर बात करें तो कहां कहां कितने यानी कि सेनाओं के जवानों ने अपने आप को सेना से अलग किया, उसमें बीएसएफ के 36,768, सीआरपीएफ के 26,264 और सीआईएसएफ के 6,705 और असम राइफल्स के 4,947 और एसएसबी के 3,230 और आईटीबीपी के 3,193 यानी सैनिकों ने जो हमारे देश के वीर हैं उन्होंने सेना से अपने आप को अलग कर लिया है। अगर टोटल आंकड़े की बात करें तो यह आंकड़ा लगभग बताया जा रहा है कि 80,000 के पार पहुंच चुका है। अब आप ही समझ सकते हैं जो सरकार लगातार ये कहती थी कि हम सेना को मजबूत करेंगे, उसी सेना यानी सरकार के राज में 81,000 जवानों ने स्वैच्छिक सेना निवृत्त यानी कि अपने आप को सेना से अलग किया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, एमआईएम का ट्विटर हैंडल जो है हैक होने के बाद अब बहाल कर दिया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ट्विटर अकाउंट रविवार को हैक कर लिया गया था। हैकर्स ने एमआईएम का प्रोफाइल बदल करके टेस्ला के मुखिया एलोन मास्क का यानी कि प्रोफाइल सेट कर दिया था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि एमआईएम का ट्विटर हैंडल जो हैक हुआ था अब बहाल कर दिया गया है। यह एमआईएम के लिए एक अच्छी खबर है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर पंजाब से आ रही। पंजाब कांग्रेस के अंदर जिस तरह से सियासी घमासान जारी था वो अब खत्म हो चुका है। आप इस खबर को देख सकते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है, अब वे सुनील जाखड़ की जगह लेंगे। इसके साथ ही 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं, संगत सिंह, गिलजिया, कुलजीत जो है नागरा और पवन गोयल और सुखविंदर डैनी कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं, जिसके बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने के लिए जुट गए हैं और यह कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे देने के मामले के बाद अब 3 और राज्य के मुख्यमंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। बीजेपी के अंदर लगातार इस मामले को लेकर के घमासान जारी है, आप इस खबर को देख सकते हैं। कर्नाटक में संगठन के अंदर संतुलन बनाने के लिए मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को इस्तीफे पर तैयार करने के बाद भाजपा नेतृत्व की निगाहें 5 अन्य राज्यों पर भी हैं। नेतृत्व लगातार पार्टी शासित हरियाणा, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा में भी समय रहते संगठन और सरकार को चुस्त दुरुस्त करने के लिए अहम बदलाव करने पर मंथन कर रहा है। अगस्त महीने तक इन राज्यों में बदलावों को अंतिम रूप देने की योजना बनी है। इसके अलावा राजस्थान व छत्तीसगढ़ को भी लेकर जो है जल्द मथापच्ची शुरू कर दी जाएगी। और अब जानकारी मिल रही है कि त्रिपुरा, मध्य प्रदेश और हरियाणा के सीएम से भी सीएम पद छीना जा सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मोदी सरकार के ऊपर लगा जासूसी करने का आरोप, आप इस खबर को देख सकते हैं। पेगासस का काला पिटारा खुल चुका है दोस्तों। फ्रांस की संस्था जो है जिसका नाम है फॉरबिडन स्टोरीज, जिसने मिलकर के एक जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल यानी एक तरह की जांच की है, जिसमें खुलासा किया गया है कि इजरायली कंपनी एनएसओ के सॉफ्टवेयर जो है स्पाईवेयर पेगासस के जरिए दुनिया भर की सरकारें, पत्रकारों, कानूनविदों और नेताओं और यहां तक कि नेताओं के रिश्तेदारों की भी जासूसी करा रही है। इस जांच को पेगासस प्रोजेक्ट के का नाम दिया गया है, लेकिन निगरानी करने वाली लिस्ट में 50,000 लोगों के नाम शामिल हैं। जो पहली लिस्ट पत्रकारों की निकली है जिसमें 40 भारतीय नाम शामिल हैं। हालांकि यह साफ नहीं है कि इन लोगों के फोन भी हैक हुए हैं, लेकिन जितने भी सैंपल्स की जांच की गई है उनमें से आधे से ज्यादा में पेगासस के ट्रेस पाए गए हैं। अब जानकारी मिल रही है इसी को लेकर के मोदी सरकार के ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने ही इस मामले पर जासूसी करवाई है, क्योंकि पेगासस जो यानी स्पाईवेयर कंपनी है ये इजराइल की कंपनी है और ये दावा करती है कि वो यानी देशों की सरकारों को ही सिर्फ अपना सॉफ्टवेयर बेचती है। और इसी के चलते हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, नेटवर्क 18, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के टॉप पत्रकार शामिल हैं। इसी में हिंदुस्तान टाइम्स के शिशिर गुप्ता, द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदाराजन और एमके वेणु, द वायर के लगातार लिखने वाली रोहिणी सिंह का भी नाम शामिल है, जिनको लेकर के लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि इनके खिलाफ जासूसी हो रही है और अब रिपोर्ट में भी खुलासा हो गया है, जिसके बाद मोदी सरकार में हड़कंप मच गया है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।